खींवसर विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच, मेरे मोतियों से महंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के योद्धाओं, मेरे सामने विराजमान मेरे नौजवान भाइयों, मेरे क्रांतिकारी साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आज वो घड़ी आ गई है जिनका हमें सालों से इंतजार था। भाइयों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने 36 कौम का शोषण किया जो आपके सामने आप देखते आ रहे हैं। सम्मानित साथियों, पिछले बार जब उपचुनाव थे उस उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मेरे को सुजानगढ़ से विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाकर भेजा और कड़ी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सब साथियों के सहयोग से कड़ी टक्कर दी थी। सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जो बात उस समय अधूरी रह गई थी उसको पूरी कर देना, और हमने जो मेहनत करी भाई बाबूलाल जी को टिकट दी है, इनको वहां से जीता करके भेज देना, इतना ही कहना चाहूंगा। साथियों, हनुमान जी बेनीवाल 36 कौम के को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, प्रेम करते हैं और 36 कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे बारे में भी हो सकता है कुछ सोच रखा है इन्होंने, और मैंने भी यह तय कर लिया कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा हमारी सीटें हैं और ज्यादा से ज्यादा सीट आएगी, हमारी सरकार बनेगी और सरकार में हमारी भागीदारी होगी तो 36 कौम का भला होगा। सम्मानित साथियों, एक एक सीट करके इतना ही आपसे कहूंगा कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाओ, यह आपसे कहूंगा। किसी प्रकार का मतभेद होता है, यह हमारी पार्टी एक हरा भरा बगीचा है। इस हरे भरे बगीचे में भिन्न भिन्न भांति के फूल होते हैं, कोई गुलाब का, चमेली का, केवड़ा का, कहीं कहीं आग्नेय के, पर है तो सब हमारे बगीचे के। तो इसलिए साथियों, मन का मेल सब धो देना और धो करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजयी बना देना मेरे साथियों, सब एक हो जाना, क्योंकि सभी फूल हमारे बगीचे के हैं, समय समय पर जरूरत पड़ने पर जगह जगह काम में आते हैं। इसलिए साथियों, सबको समानता का अधिकार देते हुए सबको साथ होकर के एकजुट होकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम लहराओ। और अब तो हमारे साथ में शेड्यूल कास्ट की भाई चंद्रशेखर जी आजाद की पार्टी भी आ गई, इसलिए तमाम शेड्यूल कास्ट के भाई एक साथ होकर के, तमाम 36 के लोग एक साथ होकर के और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम लहराओ, इतना ही आपसे मैं कहूंगा। साथियों, अपनी सरकार बनेगी तो ही सब काम होंगे, गुमराह भ्रमित सब करेंगे, क्योंकि टिकटों के मामले में सब गुमराह मन में विचार करके और उकचुक भ्रमित मत हो जाना, ये दोनों पार्टियों के लोग हमको भ्रमित करना चाहेंगे। आप कहीं भ्रमित मत होना, जैसे अनवर जी ने अभी बताया था उस प्रकार ये पार्टियां भ्रमित करना चाहेंगे, ये मौका मत खो देना आप, और एकजुट होकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ मजबूत करना, इतना ही कहते हुए मेरी बात आपने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जयकारा लगाऊंगा, जय हो वीर तेजाजी महाराज की।